बहुत गुस्सेला, थोड़ा सा होशियारी से सर। तो साथियों, ये है हमारे आकाश सर, एक जलते हुए दीपक से हजारों दीपक रोशन किए जा सकते हैं, एक जलते हुए दीपक से हजारों दीपक रोशन किए जा सकते हैं, फिर भी उस दीपक की रोशनी कम नहीं होती। उसी तरह खुशियां बांटने से बढ़ती है, कम नहीं होती। आकाश सर के साथ आज हम लोग आए हैं कुछ धमाल मचाने। बड़ा बड़ा अजगर है। इसे प्राकृतिक प्रवेश में हम लोग को हमेशा हमेशा के लिए रिलीज कर देना है। अब आकाश सर बड़ा वाला पकड़िए, हमको डर लग रहा है। हम छोटा वाला पकड़ेगा। दो ठो अजगर है। जी जी जी, दो ही अजगर है। बड़ा वाला पकड़ लिया। ये है छोटा वाला पकड़ रहे हैं। तो साथियों, गुस्से वाला ही बहुत गुस्सेला है। थोड़ा सा होशियारी से सर, वो ब्लू वाला हटा दो आप, ब्लू वाला। अच्छा अच्छा, पकड़िए। साथियों, हिंदी में अजगर, बंगला में इसे मोयाल, और इंग्लिश में इंडियन रॉक पाइथन। साइंटिफिक नेम पाइथन मोरुलस। अच्छा, बहुत उग्र रूप है। बहुत ही उग्र रूप तो ये कर रहा है। क्या इसे हम क्या कहते हैं, उग्र रूप। इसे हम सर छोड़ देते हैं। ठीक है, इसे जाने दीजिए। एक रहने देते हैं। हाँ, देख लिया दोस्तों, आपने रिलीज किया। जी जी, और एक वाला रह चुका है, इसके बारे में जानकारी देते हैं। अरे बाप रे, तो ये अपने मुंह को 180 डिग्री तक खोल लेता है। अच्छा अच्छा, और अपना शरीर का मोटाई से 5 गुना बड़ा आहार कर सकता है। यानी देखिए, इसकी मोटाई कुल इतनी है तो ये इतना बड़ा फिट्स ले लेगा, यानी छोटा बकरी का बच्चा को भी खा लेगा। ये इतना मोटा है तो इसका तिगना मोटा नहीं खा सर सकता। 5 गुना खा, 5 गुना मोटा खा लेता है। हमारे यहाँ खाया है, इसलिए हमें जानकारियां हैं, इसलिए हम बता रहे हैं कि हमारे यहाँ खाया है। तो हम चाहेंगे कि हमारे कैमरामैन से थोड़ा सा हमें टोपी दे दीजिए। हाँ, कैमरा कर वीडियो बनाते रहे। देखिए किस तरह उग्र रूप लेता है सर। वो थोड़ा हमको स्टिक दीजिए सर। देखिए साथियों, लोग कहते हैं ना कि अजगर काटता नहीं है, ये काटने वाला अजगर है। एक बार अगर काट लेना तो कुछ नहीं, तो आधा के जी मांस ले लेगा। बाइट करेगा, तुरंत बाइट कर देता है। आज इसे छोड़ने का, विदाई का समय आ गया। बहुत अच्छा लगा छोड़ने में, सांपों को सुकून मिलता है। देखिए उग्र रूप देखिए। लोग कहते हैं ना कि अजगर काटता नहीं है, बहुत जोर काटता है। ये जंगली अजगर है, और एक बार देख लीजिए आप लोग। फिशिंग तो बहुत बड़ा है। हाँ, बहुत बड़ा है। एम ले रहा है वो, मारेगा, बाइट करेगा। साथियों, अब ज्यादा इन्हें हम लोग उग्र ना करके, आकाश सर अगर चाहे तो कुछ और बताइए। मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, जिस तरह आप देख रहे हिसिंग कर रहा है, बहुत ही लाउड। जब ये लाउड हिसिंग करता है तब ये सामने वाले को खतरा दिखाना चाहता है। सही बात है ना? जी जी। जब इसको किसी को, सामने वाले को डर पैदा करना है तो ये जोर से हिसिंग करता है, जिस तरह रसल वाइपर करता है। लेकिन रसल वाइपर मैंने सुना है कि बहुत ही ज्यादा, इससे भी ज्यादा करता है। जी जी जी। तो ये इसका मैक्सिमम लेंथ मैंने सुना है कि 22 फुट और 25 तक पाया जाता है वैसे, लेकिन मैक्सिमम ये 22 फुट तक बढ़ सकता है। जी जी। तो दोस्तों, इसकी पहचान देखिए, मुंह जो है लंबा होता है और गर्दन से लेकर के उसको हम ऐसे छोड़ेंगे। थोड़ा जानकारी देखिए। जी जी। गर्दन से लेकर पूछ तक, नोक तक आप देख सकते हो, वहां से लेकर यहाँ तक कैमरा घुमाइए ताकि जो सब्सक्राइबर है, व्यूअर से देख सके ध्यान से। उसके ऊपर देख सकते आप, ये नक्शिया है, ये बीच में थोड़ा गोल्डन है, फिर चॉकलेटी कलर में डार्क, फिर गोल्डन है। जिस तरह उसकी नक्शिया जो है फैली हुई है, वाइपर की इस तरह नहीं होती। वाइपर की जो चेन है गोल 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 इसी तरह होती, लेकिन इसकी जो नक्शिया है ऊपर के ऊपर फैली हुई दिखाई देती है। और ये कभी कभार गोल्डन कलर में होती है, कभी कभार डार्क चॉकलेटी कलर में दिखाई देती है, और बहुत सारे अलग अलग थोड़े थोड़े डिफरेंसेस होते हैं उसमें। दोस्तों, इसका नाम है अजगर, और ये पूरा बिना जहर वाला, इसमें कोई जहर नहीं पाया जाता।
लेकिन ये काटता बहुत जोर का है, बहुत ही जोर का काटता है। सबसे शक्तिशाली सांपों में एक सांप, सही बात है। हाँ। ताकतवर में बहुत ज्यादा है लेकिन जहरीला नहीं है। एक बार अगर काट ले तो आधा केजी मांस ले लेगा। इसीलिए तमाम रेस्क्यूअर से अपील है कि थोड़ा सावधानी पूर्वक रेस्क्यू टांग से करे, ताकि देखिए आपका लाइफ के पीछे घर का सारा लोगों का, आपका कुछ भी होता है तो घर वालों को काफी तकलीफ होगा। इसलिए हम यही चाहेंगे कि फ्री हैंडलिंग ना करें, इसे कोशिश करें रेस्क्यू टांग से ही। आकाश सर के पास भी रेस्क्यू टांग है, हमारे पास भी रेस्क्यू टांग है, और इस रेस्क्यू टांग से बड़ा इजी प्रोसेस पर ये रेस्क्यू किया जा सकता है। जी जी दोस्तों, फिर एक बार इसका नाम बता रहा हूं। महाराष्ट्र में तो, महाराष्ट्र में क्या, ऑल भारत देश में इसे अजगर के नाम से जानते हैं। बाइट करेगा, बाइट करेगा। और ये अभी बाइट के मूवमेंट में है, देख सकते हैं आप जिस तरह एस करता है पीछे की ओर और तुरंत छट से अटैक कर देता है। स्टिक पे लगाइए, स्टिक पे लगाइए। जी जी, ताकि हाथ पर ना आ जाए, कभी कभार भूल चूक से हाथ पर भी आ सकता है। एकदम सही बता रहे हैं आप। तो मुझे लगता है ज्यादा इसको अभी नहीं करते हुए इसको रिलीज करते हैं। जी जी, अब हम चाहेंगे कि हम लोग जय हिंद, थोड़ा इसका हिसिंग सुना दीजिए। हाँ, थोड़ा सा और कैमरा ले जाइए सामने, लोगों को हिसिंग सुनना चाहिए। अभी तो शांत हो गए। जी जी, चलिए अभी नहीं। जाने तो चलिए अभी इसको रिलीज करते। इंडियन रॉक पाइथन लगभग ये थोड़ा पीछे हो गया, लगभग ये 22 फीट के आसपास बढ़ता है, और ज्यादा से ज्यादा अपने भारत देश में एक 25 फीट का पाया गया, मैंने सुना है 25 फुट का पाया गया। इंडियन रॉक पाइथन, हिंदी में अजगर, मराठी में अजगर, और पूरे भारत देश में इसको अजगर नाम से ही जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों, आप देख सकते हैं इसको हमने फिशिंग करते हुए चला जा रहा है। एक बम को डिफ्यूज करना, एक शक्तिशाली बम को डिफ्यूज करना और एक अजगर को रेस्क्यू करने के बराबर है। जी जी, सही बात। तो साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम, जय शिवराय, जय शिवराय। हम गर्व से कहेंगे वंदे मातरम।